हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरेन ऋषि। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू दिस। दोस्तों, पहले जो है वीडियो में जो है फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के बारे में दो क्वेश्चन को कम्प्लीट कर चुके हैं और उसी वीडियो में हम आपको बताए थे कि उसके बाद जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर, फाइव नंबर, ये लास्ट है फाइव नंबर तक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन रह जाता है जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एम हेमल के कैरेक्टर के बारे में और कुछ होगा तो और क्वेश्चन एक दो को मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे और वो आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। और आप लोगों को पता होगा कि हम एक और वीडियो अपलोड किए थे पहले जो कि वर्ड था और उसको हम आपको याद कराए थे और उसमें एक दो वर्ड है जो इसमें आपको मिलेगा और बाकी सब जो है इजी वर्ड है और उसको जो है हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अब बात आती है क्या कि यह क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, इसका आंसर भी लिख दिया है, लेकिन प्रॉब्लम है आपको अगर याद रहेगा तब ना, याद रखना सबसे बड़ी बात है, लेकिन याद भी कराएंगे हम अब किस तरीके से। आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी ये इंग्लिश से कैसा सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी आप पढ़ लेते हैं किसी स्टोरी के बारे, किसी स्टोरी को, तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि आप जैसे कछुआ और एक खरगोश के बारे में कहानी है, ठीक है, आप लोग तो मेनली उसको पढ़े होंगे, या तो एक कौवा जो कि पानी पीता है, तो मान लो हम कछुआ खरगोश के बारे में सुन लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे स्टोरी का क्वेश्चन हमको याद रहता है। उस स्टोरी के बारे में जानते हैं कि एक कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ता है और बीच में रास्ते में जाकर के जो है खरगोश क्या होता है सो जाता है और कछुआ फिर आगे बढ़ जाता है और वो कछुआ अंत में विनर हो जाता है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन या स्टोरी याद रह गया। अब क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि कछुआ क्यों जीत गया और खरगोश क्यों हार गया, तो हम लोग बोल देंगे आसानी से कि खरगोश जो है पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ जो है वो चलते रहा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मतलब कि हम लोग को याद रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो है क्वेश्चन हम लोग जो बनाएंगे स्टोरी को सिर्फ याद रखेंगे। स्टोरी में फ्रेंड नाम का एक लड़का था जिसको जो एम हेमल नाम का एक टीचर था जिससे उसको बहुत ही काफी ज्यादा डर उससे लगता था। इस तरह से जो स्टोरी है और स्टोरी का भी जो हमने मैंने जो पहले वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा और उसका जो है वीडियो सबका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये क्या हुआ बेसिक कि आप लोग जो क्वेश्चन कैसे कम्प्लीट करें, क्योंकि ये जो है लिटरेचर सब ऐसा चीज होता है कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर रटने की चीज तो है ही नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड में क्या था, ठीक है, मतलब कि जैसे ही बच्चा वहां से लौटने लगा तो बुलेटिन बोर्ड में उसने देखा तो क्या था बुलेटिन बोर्ड में, तो क्या था द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बोर्ड, मतलब बर्लिन से आने वाले मतलब कि पब्लिक के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रहता था उसको क्या क्या था, तो उसमें लिखा जाता था किसमें, बुलेटिन बोर्ड में। इट स्टेट दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में जो है सिर्फ जर्मन वाज बी टॉट टू स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट को वहां पर सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ क्या जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्या था लिखा हुआ था इसमें बुलेटिन बोर्ड में, ठीक है, जैसे बच्चा वहां से लौट रहा था उसने देखा बुलेटिन बोर्ड में, तो इसमें क्या था ये लिखा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, व्हाट चांस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन जो है बर्लिन से क्या मैसेज आया, क्या व्हाट चांस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन जो है बर्लिन से क्या मैसेज जो कि स्कूल पूरा चेंज दिख रहा, मतलब बदला हुआ दिख रहा था। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब कि उस दिन जो है मतलब कि जो बर्लिन से जो इन्फॉर्मेशन आया था उसके अनुसार जो क्या हॉस्टल जितना मतलब कि जो रूटीन प्रत्येक दिन का था कि क्या बोलते हैं एम हेमल जो था उसका जो नाम से क्या बोलते हैं छड़ी का हैंपना, ठीक है, उसका मतलब कि बेंच दरवाजे की मतलब कि खुलने और लगने की आवाज, मतलब कि जिस तरह से हलचल होती थी वो सारा हलचल क्या हो गया था, बंद हो गया था, और क्या हो गया था बिल्कुल स्टैंड स्टिल, मतलब शांत पड़ गया था, ठीक है। द टीचर एम हेमल बिकम मोर सैम्पेथेटिक, सहानुभूति इसको बोलते हैं, इसको याद भी करा दें इस वर्ड को, ठीक है, टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस, और वो जो बिल्कुल शांतिपूर्वक से क्या होता है धैर्य
पैशन क्या होता है, धैर्य होता है, तो वो एकदम धैर्य पूर्वक क्या कर रहा था, उस लेसन को पढ़ना ही शोरगुल किए हुए। उसके बाद द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द पीपल टुवार्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव। अब क्या उसमें एक और एक बहुत बड़ा चेंज आया, चेंजिंग लाया, क्या लाया, टुवार्ड्स पीपल मतलब कि लोगों के लिए, अपने देश के लिए, एंड देयर नेटिव वो अपना मातृभाषा के लिए। नेटिव क्या होता है, अपना मातृ जो अपना देशी भाषा होता है वो, क्या उसके भाषा के लिए क्या होता है, उसमें कुछ चेंज मतलब उसके वहां से ऑर्डर आया था बर्लिन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। बोल रहे कि एम सॉरी फ्रेंच ने जो है कैसा उसने महसूस किया, किसके, एम हेमेल एंड स्कूल के चेंज के बारे में, और किसके बारे में, एम हेमेल के बारे में, उसको कैसा फीलिंग हुआ, कैसा उसने उसको लगा। इसमें फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन एम हेमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इज वाज द देयर लास्ट लेसन। मतलब कि वह शॉक्ड हो गया सुनकर के यह बात कि एम हेमेल जो है स्टूडेंट को बोल रहा था कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया है क्या पढ़ने के, जर्मन पढ़ने के लिए, और यह जो है फ्रेंच का जो है ये क्या है, लास्ट लेसन है, क्या है ये, लास्ट लेसन। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर क्वेकनेस एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हिज टीचर। मतलब कि वह जो है इस बात को सुनकर के उसको बहुत ही मतलब कि उदासी छा गया और बुरा लगा कि मेरे टीचर जो है मतलब उसके क्रैकनेस और उसके बिकम मोर सिंपैथेटिक मतलब उसका जो गुस्सापन जो होता था मतलब कि चिड़चिड़ापन, तो उसको भूल गया सब चीज, कौन फ्रेंच भूल गया कि हमारे जो टीचर थे ये एम हेमल ये बहुत ही अच्छे थे, उसको अच्छे लगने लगे बाद में, ठीक है। पहले उसको लगता था कि ये तो बहुत ही संत की जैसे मत है, पीट देंगे हमको, तो बाद में उसको क्या, ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूल, उसके रूल के बारे में जो उसको मारने का जो छड़ी होता था उसके बारे में सारा चीजें भूल गया, और क्या हो गया ना, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति पूर्वक उसके प्रति मतलब उसको जो है अच्छा लगने लगा। He realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in his class earlier. उसने वह जो है फिर पेन को थोड़ा सा दुखी हुआ, दर्द होने लगा उसको, दर्द मतलब कि ये शरीर में दर्द नहीं, मन में दुख होने लगा कि फ्रेंच मीन मतलब वह जो फ्रेंच लैंग्वेज जो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है उसने पहले जो है उस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया। वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज था, उस चीज पे उसको बहुत ही पहले क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होने, एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लासेस, मतलब कि क्लास में जो पहले जो है ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए वो क्या बहुत ही पछताया वो, ठीक है। सडनली ही फेल्ट दैट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैड नेवर एक्चुअली बीन, मतलब अंत में उसको ये समझ में आया कि कोई भी चीज जो है कठिन चीज जो है वास्तव में वो कठिन नहीं होता है। सही में ऐसी सही बात है कि कोई भी चीज अगर कठिन हो हम लोग को लगता है, लेकिन अगर उसको में हम लोग बार बार मेहनत करें, उसको बार बार रीडिंग करें, एक बार में समझ में नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, फाइनली वो क्या हो जाता है हम लोग का मतलब कि आसान हो जाता है और सॉल्व भी हो जाता है। ऐसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में 17 बार लगभग सचिव उसको जो है हरा दिया गया और अंत में वो ही जीत गया, लास्ट में बार बार प्रयास करते रहा फिर देखिए क्या हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोग को सीखने को मिलता है कि बार बार हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ये लास्ट 5 क्वेश्चन था द लास्ट लेसन का, नेक्स्ट आप लोग को लेसन फिर बताएंगे। और ये क्वेश्चन बचिए एम हेमल का कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड छोटा है इसलिए उतना नहीं बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो एम हेमल का कैरेक्टर जो होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले हम आप लोग से एक निवेदन करते हैं कि मेरे वीडियो को जो उन सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का है और लॉकडाउन में जो भी ट्यूशन वगैरह पढ़ रही या तो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सबको वीडियो दे दीजिए, कम से कम वीडियो जो है डाउनलोड कर लेगा और आराम से बैठ करके वो जो अपना प्रिपरेशन करते रहेगा, उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग से मेरा एक निवेदन है, और आप लोग मेरे चैनल में है, न्यू है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।